हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोनिका थमन एंड वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। और आज हम लोग जा रहे हैं हमारे घर के लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए। और बस कहाँ से शॉपिंग करेंगे और क्या क्या शॉपिंग करेंगे इसके लिए आपको ब्लॉग को एंड तक देखना होगा। और चलते हैं। और मैं बता दूँ, आज का जो मौसम है ना, इतने दिनों बाद बहुत ही अच्छा मौसम हुआ है। मतलब मौसम को भी पता था, है ना पंकज, वेदर को भी पता था कि हम लोगों ने आज जाना है शॉपिंग करने के लिए। और वेदर वाकई बहुत अच्छा हो चुका है, बिल्कुल बारिश वैसा मौसम हो चुका है। मन कर रहा है पकौड़े खाने नहीं नहीं हम जिस काम के लिए यू नो घर से चले हैं पहले उसी भी करेंगे, और फिर अगर टाइम मिला तो पकौड़े भी खा लेंगे। तो बस चलते हैं। देखते हैं हमें हमारे मनपसंद फर्नीचर मिलेगा या नहीं। अभी हम आए हैं ड्यूरियन पे, देखते हैं कि जैसा हम लोग सोफा चाह रहे हैं वो हमें मिलता है या नहीं। वैसे हम लोग कोशिश करें कि हमें रिक्लाइनर चाहिए, तो हम देखते हैं कि अगर रिक्लाइनर मिल जाएगा तो वही लेंगे, अदरवाइज दूसरे ऑप्शंस भी हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, देखते हैं पसंद आता है या नहीं। सोफा है जो कि रिक्लाइनर है, बट इसकी जो सेंटर वाली सीट है ना वो नहीं होती है रिक्लाइन, बाकी जो साइड्स की दोनों हैं वो होती हैं। और ये जो सामने दो आप सीट देख रहे हैं ये भी होती हैं। मुझे कलर नहीं अच्छा लग रहा है ये वाला। ऊपर तो कुछ ऑप्शंस देखे हैं लेकिन कलर के अंदर इनके पास ऑप्शंस नहीं है। बेसिक डाउन होते हैं ना वो, ना आपको तो मेरे को जैसा कुछ दिखा था ना मुझे उस टाइप की चाहिए। और फिर आप देखते हैं वाली, मतलब सच बताऊं तो अभी तक हमें हमारी पसंद की चीज़ नहीं मिली है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा और घूमते हैं। तो अभी हम लोग आए हैं स्टैनली पर, और ये जो ऑरेंज वाला आप सोफ़ा देख रहे हैं ये है 14 लाख का। अभी हम आए हैं रिक्लाइनर इंडिया पे, और यहाँ पे जो इनका ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे हमें मिल रहा है लेदराइट सोफा। रिक्लाइनर में और ऊपर है लेदर सोफ़ा रिक्लाइनर में, क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस है रिक्लाइनर सोफ़ा लेने की ही। और अगर हमें यू नो अकॉर्डिंगली नहीं मिला तो हम लोग स्विच करेंगे जो नॉर्मल सोफ़ा होते हैं। तो मैं बता दूं, हम लोग रिक्लाइनर जो है वो हम लोगों ने देख लिया है, और क्या डिसाइड हुआ है ये तो आपको आने वाले ब्लॉग्स में पता चल ही जाएगा। और अभी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, ऑलमोस्ट 8 बज चुके हैं और भूख लग रही है बहुत ज़ोरों से। तो हम लोग आए हैं यहाँ पर बीकानेर पे, और बस ऑर्डर करते हैं और फटाफट से खाना खाकर घर चलते हैं। तो यू नो मैंने अभी भैया से बात करी है, और उनको भी वो मुझसे पूछे थे कि आप एक ब्लॉगर हो, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, और उन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, सो थैंक यू सो मच।
लोगों ने खाना तो खा ही लिया और मैंने खाना खाने का इतना शूट नहीं किया क्योंकि बहुत जोरों से भूख लग रही थी। ऑब्वियसली बहुत देर से हम लोग बाहर थे और बस अब भूखना रह गया, इसको खाते हैं फटाफट से और फिर चलते हैं घर पे। और बस अब हम यहाँ से चल रहे हैं। वैसे मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया यहाँ पे क्योंकि हम लोग दोपहर से घर से चले हुए हैं और 8:30 हो चुके हैं इस समय। फटाफट से खाना खाया और अब चल रहे हैं घर की तरफ क्योंकि मुझे घर जाके पीनी है चाय। चाय मुझे अपने यहाँ की पसंद है मैं सच बताऊँ। लेकिन हमने जहाँ पे अभी सोफ़ा देखा ना वहाँ पे मैंने चाय पी थी, तो चाय भी अच्छी थी बट मुझे मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद है तो वो अब घर जाके मिलेगी मुझे। तो घर चलते हैं फटाफट से। मतलब इतने बड़े बड़े शोरूम हैं यहाँ पे, बहुत ही बड़े बड़े शोरूम हैं और देखने में तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। मन करता है ये भी ले लो वो भी ले लो बट फिलहाल हमें जो चाहिए उसी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। हम लोगों ने गाड़ी कुछ ज़्यादा ही आगे लगा दी है। हाँ अभी फटाफट से मन कर रहा है बस घर चलो और गाड़ी हमारी उतनी आगे खड़ी है। ऑलमोस्ट यहाँ की मार्केट भी जो है ना इस समय बंद होने वाली है क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है और फाइनली हमें हमारी गाड़ी मिल गई है और बैठते हैं चलते हैं घर की तरफ। तो हम लोग घर पे आ चुके हैं और आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। और अगर आपको हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।